चलना चाहिए, थोड़ा फिर चलना चाहिए ना। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन माउंट करके घोड़ा मत कर लेना, वहां से थोड़ा तो चलना कम से कम। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के झालों को, जिसने जितना दर्द सहा है चैन भी उतना पाया है। चलो बुलाना आया है, पता है बुलाया है। चलो बुलाना आया है, पता है बुलाया है। सुनो महसूस किया है, मैंने उस दरबार से बहुत कुछ पाया है। उस दरबार से पास हुई हूँ तभी आज वृंदावन बैठी हूँ, बहुत कुछ पाया है मैं, जीता जागता उदाहरण हूँ। तू भी मांग के देख ले मेरे जो मांगा वो चांद जैसा उसके अंदर जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, जय माता दी। बाणगंगा के पास से चले ऊपर, जय माता दी। वो जो ऊंची सी चढ़ाई आती है ना, बिल्कुल खड़ी जिसको देख कर डर जाते हैं, है कौन सी वो? ना 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 है? ना ना बेटा, आती मत्था तो आता है उसके बाद, अपना अर्धकुंवारी के बाद चरण पादुका। मैं याद दिला के जा रही हूँ, चरण पादुका की चढ़ाई ऐसी यूं करके, और वहां से आप और मैं जा रहे हैं, बस मन से चल रहे हैं मेरे साथ। कौन कौन चल रहे हैं मेरे साथ? यहाँ मत रहना कोई भी लक्ष्मी नगर में, एक भी नहीं है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज देखो गोयल साहब के घर से आप लोग माता की यात्रा करके वापिस लौटाओगे पांच मिनट में। ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, अर्ध कुमारी हे मुड़ के पहुंचे, अर्ध कुमारी माँ लगे प्यारी, माँ अर्ध कुमारी मैन लगे प्यारी, तेरा हाथी मत्था, तेरा हाथी मत्था हूं तर दुख गई लत्ता, तेरा हाथी मत्था हूं दुख गई लत्ता, ये सुंदर मंदिर दिख गया दूर से सांझी छत से उतरते ही, देख ली पहुंच गए सांझी छत पे, सामने मेरी माँ का मंदिर नजर आ रहा है। सुंदर मंदिर तेरी गुफा है सुंदर, नीचे उतर के गए हैं पुलिस वाले भैया खड़े हैं, बोले लाइन में लग जाओ। लग गए लाइन में, कौन कौन लग गया? बिल्कुल उसी टीन की छत के नीचे लाइन में लग जाओ सारे, और अब लाइन में लगते हुए कहते जा रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी। तुम भी चल रहे हो सारे मेरे साथ, ओ जय माता दी। सोना मत, जय माता दी, ओ जय माता दी। ये मैं नहीं लेके जा रही, मेरी माँ लेके जा रही है, उसकी ट्रेन निराली होती है, किसी को दिखाई नहीं देती है। जय माता दी, ओ जय माता दी। अचानक लाइन रुक गई, क्यों रुकी? आरती शुरू हो गई, और आरती शुरू होते ही हम तो उस चौक में बिल्कुल गुफा के सामने, और हमने कहा, तूने मुझे बुलाया श्री राम वालिए, मैं
जो आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं जय माता दी, जो जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं जय माता दी। आपको पता चलेगा उनमें कौन मंत्री है, कौन संतरी है, कौन व्यापारी है, कौन छोटा मोटा आदमी है, कौन है राजा, कौन भिखारी, कौन है राजा, कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके रोशनी करने के लिए और रोशनी हो जाती है, बस भगवान का नाम वो ऐसे करने की देर है और दिन में रोशनी हो जाती है। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, बोले भगवान मैंने आपके लिए ना आज से आप मेरे साथ इधर उधर नहीं घूमोगे। क्यों? बोले हमने आपके लिए घर ले लिया है। राम जी बोले जेब में धेलो नहीं है, घर ले लिया, कहाँ से घर ले लिया? बोले घर ले लिया हमने आपके लिए। अच्छा, बोले आज से आप उस घर में रहोगे हमारे साथ। राम जी बोले घर है, कहाँ है घर, दिखाओ, चलो देख के आते हैं घर, दिखाओ तो सही। तुलसीदास जी ने ऐसे अपनी चुन्नी कर रखी थी, पटकाइयों हटा करके बोला प्रभु ये घर है आपके, ये घर है? बोला हाँ घर है, लेकिन ये घर तो आपका है, आपने दिया मुझे रहने को, इसमें रह कोई और रहा है? ये सारे किराएदार किराए पे दिए थे, कब्जा करके बैठे हैं। कौन? बोले लोभ मोह क्रोध लालच ईर्ष्या द्वेष, प्रभु मेरे से खाली नहीं करवाया जा रहा, ये किराएदार सारे कब्जा करके बैठ गए हैं।
आप खाली घर वालों, घर तो आपका ही है, मैं चाहता हूँ आप रहो, मेरे कहने से खाली नहीं कर रहे। किसी के मकान पे कोई किराएदार कब्जा कर ले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं खाली करवाने के लिए। तो आज तुलसीदास जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है कि ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। घर तो प्रभु आपका ही है कि नहीं है? भगवान का घर, घर किसी और का है और बैठा कोई और है। फिर दुख तो देंगे ही, जो हमारे नहीं है वो दुख देंगे हमें, जो हमारे हैं। हमारे है श्री भगवान,